दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16 में आज साइबर प्रिवेंटेशन अवेयरनेस डिटेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही नेशनल फोरेंसिक साइबर लैब का भी उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक समेत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का उद्घाटन, इस फोरेंसिक लैब का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया और नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। तो अब कहा जाए, दिल्ली पुलिस डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में अपना विशेष योगदान देती नज़र आ रही है। इसकी पहल करते हुए साइबर सुरक्षा की ओर कदम उठाया है। वहीं दिल्ली पुलिस के इस कदम से अब लोग साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों और कई स्कूल के टीचरों ने भी हिस्सा लिया और टीचर्स को भी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है। साइबर क्राइम का कोई इतना बड़ा चैलेंज इस समय लोग नहीं जानते। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का सिस्टम खड़ा किया गया है, हम उस चैलेंज को बीट आउट कर सकते हैं। एक ऐसी क्षमता हम लोगों ने अपने अंदर जो है डेवलप कर ली, वरना सब कुछ जैसा मुझे बताया गया है कि मैं इसके लिए डॉक्टर मदन मोहन ओबराय को विशेष रूप से एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं इसके लिए उन्हें विशेष रूप से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि डिजिटल इंडिया का निर्माण होना चाहिए, और डिजिटल इंडिया का निर्माण होना चाहिए तो इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि साइबर क्राइम एक कंप्लीट डिजिटल इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों के मन और मस्तिष्क में बराबर डिजिटल वर्ल्ड के प्रति यदि हम विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, इस डिजिटल वर्ल्ड के प्रति लोगों के अंदर एक हम भरोसा पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि साइबर क्राइम के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और इसी को अचीव करने के लिए मैं समझता हूं कि इतना बड़ा सेटअप और यहां पर साइबर का स्टेब्लिश किया गया है, ये हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेट और कंप्यूटर के इश्यू में क्राइम का नेचर किस तरीके से बदला है आप अच्छी तरह सभी लोग जानते हैं। आज चाहे साइबर चीटिंग हो या फ्रॉड हो या फिर महिलाओं का उत्पीड़न हो अथवा टेरर रिक्रूटमेंट हो, हर किस्म के अपराध में कोई ना कोई एक साइबर का एंगल है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि इंटरनेट और खासकर स्मार्टफोन आज आम लोगों के हाथों तक ये पहुंच चुका है। चाहे फेसबुक हो या ट्विटर अथवा इंटरनेट बैंकिंग हो या ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कल कारखानों में रिमोट ऑपरेटेड सिस्टम्स, हर जगह इंटरनेट ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसी परिस्थितियों में हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम साइबर स्पेस के चैलेंजेस का समय रहते हुए असेसमेंट भी कर लें और इससे जन सामान्य को सिक्योर करने के लिए जिस भी प्रकार के सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत हो वह सिस्टम भी हम डेवलप कर लें। और मुझे ये बताते हुए खुशी है, पिछले 3-4 वर्षों में हमने साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक समेत दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, साथ ही क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे, साथ ही कॉलेज और स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपना अपना बच्चों ने योगदान दिया। सहयोगी अनमोल कुमार के साथ साहिल भामरी, समाचार वार्ता, दिल्ली।